तो भाई डे टू शुरू हो गया है पेरिस का, और अब हम अपनी पहली लोकेशन पे जाएंगे। और बस का करंटली इंतज़ार हो रहा है जो कि यहाँ से आधे घंटे दूर है। बहुत सुंदर दिन है और ठंड भी है। दिस इज सेंट चैपल बेसिलिका। कितना सुंदर और बड़ा, कितना वाइड है, दिख रहा है। आई एम लकी, टिकट पहले से बुक करा लेना वरना बहुत बड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। So big and magnificent with stained glasses. So large height, man. But beautiful. हमें कॉन्केर ग्री पे, और जब आप इसमें चेक इन कराएंगे पहले से टिकट ले लेना वरना लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और इस आपको यहाँ पे एक टैबलेट मिलेगा जिसको आप सर्व कर सकते हैं। ये कह रहा है टच हिस्ट्री पैड, यू गेट इज यू स्कैन दिस एंड देन यू गेट द हिस्ट्री ऑफ समथिंग। तो सामने क्या है और ये दिखा देगा कि क्या है सामने, इधर क्या था, एंड इट वुड बी टेलिंग यू एवरीथिंग। सो वॉट एक्चुअली इज वन एंड वॉट नाउ इट इज सो इट इस जो हम अभी हैं वो है प्रिजन सेल। और ये जो स्टोरी डिपेक्ट करती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता दी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अपराइजिंग कैसे हुई थी और ये प्रिजन्स का यूज़ कैसे करते हैं। इट इज दिस इज द प्रिजन एजेंसी। तो ये बेसिकली एक पैलेस है किंग का और प्रिजन भी है। कॉनकोर इज अ ग्रेट पैलेस इन फ्रांस।
ये वो मेंस कोर्ट है प्रिजन सेल का। ये देखो ये पूरा प्रिजन सेल है और ये मेंस कोर्ट है। यहाँ पे प्रिजन के जो सेल होते थे वो हमेशा रात में खुलते थे, तो पूरे दिन आदमियों को नहीं रहना पड़ता था। और इनफैक्ट प्रिजनर्स को अपने बेड के लिए पे करना पड़ता था, और जो वो पे नहीं कर पाते थे तो उनको अपने घास के तिनके उठाओ, कहीं अपने साइड में बेड बनाओ और सो जाओ। जो अंदर वाला सेल था वो डिपेक्ट करता था कि एंटोनियो मारी जो यहाँ की क्वीन थी उसका कैसे एग्जीक्यूशन हुआ और उसको कैसे मतलब कैसे उसका जुलूस निकला। देन शी वॉज यहाँ पे तो जिलेटिन करते हैं ना, गला काट देते हैं, तो वो हुआ, वो सब दिखाया। और उसको कैसे जेल में रखते थे, क्या कब क्या सुविधाएं उसे मिलती थी, और फिर कैसे रिपब्लिक आया फ्रांस में, वो सब बताया था। तो ये यहाँ की लास्ट लोकेशन है। और ये जो इतनी बड़ी लोकेशन आपको दिख रही है ना, ये है खाना जहाँ बनता था राजा के लिए। और जैसे ये स्टेप में अभी बताया जा रहा है, ये आपको मैं दिखाई दूँ, ये देख रहे हो अमाउंट ऑफ फूड कितना है इसके अंदर। मतलब इसके अंदर राजा के लिए हर टाइप की चीज़ें बनती थी, और उसका तीन कोर्स, मतलब ये उसकी रसोई है इतनी बड़ी, बहुत बड़ी रसोई है राजा की। उसका सारा खाना बनता था। और जस्ट इसके पीछे अगर हम देखें यहाँ पे, तो राजा की बैठक होती थी और वो वहाँ बैठता था, उसकी अलग टेबल होती थी, बाकी नोबल्स की अलग होती थी और वो लोग खाते थे। और राजा का खाना नोबल्स से ऑफकोर्स अलग ही होता था। तो ये प्रिजन प्लस पैलेस बहुत बड़ा है। करंटली अब जाने का समय आ गया है, लेकिन ये जो आप हॉल देख रहे हो, ये यहाँ पे भी खाना ही होता था। और मेंस एट द आर्म्स मतलब सोल्जर्स के लिए, यहाँ पे जो आम पर्सनल्स थे उनके लिए यहाँ पे मेस होती थी, मेस है उनकी तरीके से, और उनको यहाँ खाना मिलता था। पीछे जेल है, ये मेस है, इधर किचन है, उधर राजा का, ये जो ऊपर देख रहे हो ना आप एकदम, वो राजा की बैठक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, पोजीशन है, जितने आप बड़े पोजीशन में उतना ऊंचा बैठ के आप खाना खाएंगे। आ गई हमारी नेक्स्ट लोकेशन, म्यूजियम द लूर। और ये वही म्यूजियम है जिसके अंदर मोनालिसा की फेमस पेंटिंग है। एंड अगेन रिजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट टू ऑन टाइम, सो बी ऑन टाइम, बी पंचुअल। अंदर जाकर देखते कितना सुंदर है ये। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन का सामना करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मेक रिजर्वेशन। अंदर का सीन, पिरामिड के बाहर से आप बाकी दुनिया देख सकते हैं, यहाँ अंदर की दुनिया है। और ये चार सेक्शंस में, शायद चार या पांच सेक्शंस में बटा हुआ है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। घूमते घूमते टाइम वेस्ट, मतलब बहुत टाइम चला जाएगा। ये रही इसकी फेमस स्पाइरल स्टेयर, और देखते हैं अंदर क्या है। मोनालिसा की फेमस पेंटिंग यहीं पर है। तो दिस इज़ द सेक्शन ऑफ वेनिटास पेंटिंग, और इसमें जो स्कल है ना, दिस रिप्रेजेंट मोरालिटी। उस पेंटिंग के लिए कितनी लंबी लाइन, तो ये
अब इतनी दूर आए हैं तो खिंचवा ही लेते हैं। देख लो भाई एकदम सेंटर से। म्यूजियम इज एंडलेस, बहुत बड़ा है भाई, पूरा दिन लेके आना है, ठीक है, एक एक चीज़ देख सकते हो फिर बहुत बारीकी से। कॉलम्स देखो भाई, कोरिंथियन, कोरिंथियन कॉलम का काम, बहुत सुंदर म्यूजियम है। लेकिन तो भाई सही समय आ गया है कि म्यूज़ियम हमने देख लिया जितना देख सकते थे, समझ लिया जितनी क्षमता थी, अब बाहर जाने का समय आ गया है। और वाओ एग्जिट भी शानदार बनाई है, बिकॉज द चार्ज मच मोर। लोग कहीं के भी हो, भारत के या विदेश के, चोटी तो ये पकड़ ही लेते हैं भाई। हम ताजमहल की पकड़ते हैं या लूवर के पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं एफएल की पकड़ते हैं, चोटी पकड़ने में माहिर। This is what it looks like when it rains and it is evening and Paris looks beautiful. तो अभी जो हमें करना है वो है शॉपिंग। तो सबसे पहले शॉपिंग करने के आपके क्राइटेरिया क्या है? यू कैन डू हाई एंड शॉपिंग, यू कैन डू सोवेनियर काइंड ऑफ शॉपिंग, यू कैन डू थ्रिफ्ट शॉपिंग, यू कैन डू बजट शॉपिंग, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स। तो अभी टाइम हो गया कि थोड़ा शॉपिंग करें और उसके बाद कहीं शांति से बैठ के खाएंगे। और ये भी तो ढूंढना है ना, लेट्स एक्सप्लोर कि आज कहाँ खा सकते। मैंने अभी H&M से स्लिम जैकेट ख़रीदा और कल पहनेंगे उसे। आई गॉट अ गुड डील। और अब मैं जा रहा हूँ एक परफ्यूम की शॉप पे, ताकि देखें पेरिस के परफ्यूम बहुत फेमस होते हैं, तो मैंने कहा परफ्यूम की शॉप पे चलते हैं। फिर हम जाएंगे गैलेरिया में और उसकी दूसरी वाली वो एक्सप्लोर करेंगे आज, और थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे और कुछ खाएंगे। मैंने सुना है वहाँ पे एक अच्छी सी पेस्ट्री मिलती है, पेस्ट्री खाएंगे वहाँ पे। तो